कई बार इतनी दर्दनाक हालत में हमारे पास गौ माता आती है कि उस गौ माता का पेट में अंदर बच्चा मर जाता है, और जब बच्चा बाहर निकलता है तो बच्चे के साथ साथ वो गौ माता का पूरा शरीर उसका बाहर निकल आता है। जैसे ही गोकुल धाम में एम्बुलेंस गौ माताओं को लेकर आती है तो तुरंत गोकुल धाम की जो डॉक्टर टीम है वो वहाँ पर ओपीडी में तैयार रहती है। जैसे ही एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस से उतारते ही सबसे पहले डॉक्टर गौ माता की जाँच करते हैं, उसको क्या परेशानी है, क्या पीड़ा है। गोकुल धाम में स्पेशली बीमार गौ माताओं की सेवा की जाती है, और गौ माताओं के साथ साथ गोकुल धाम में जैसे नील गाय, मोर, बंदर, कबूतर, कुत्ते, बिल्ली सभी जीवों की चिकित्सा व सेवा निःशुल्क की जाती है। बहुत सारी गौ माताएं ऐसी जो खड़ी नहीं हो सकती, किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, किसी गौ माता की कुली टूटी हुई है, किसी गौ माता का एक पैर कटा हुआ है, किसी गौ माता के दो पैर कटे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास जिनके दो दो पैर टूटे हुए हैं, उनको प्लस्तर करते हैं, उनको खड़ा करते हैं, उनको खड़ा करके उनको पकड़ के धीरे धीरे चलाते हैं, जैसे वॉकर होता है बच्चों के लिए, ऐसे हमने वॉकर टाइप में मशीनें बना रखी हैं उन गौ माताओं को खड़ा करने के लिए। जो गौ माताएं खड़ी नहीं हो सकती उनको उन मशीनों में हम खड़ा करते हैं, और वो मशीनों में गायें खड़ी होती हैं, उनके पैरों की मालिश करते हैं हम। गोकुल धाम में इन बीमार गौ माताओं के लिए संख्या को देखते हुए गोकुल धाम में हमें जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है उसको जल्द से जल्द उसको पूरा करना है, उसके लिए आप कंस्ट्रक्शन में आप मदद कीजिए, ताकि इन गौ माताओं को समय रहते हम इनका जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो पूरा कर सकें, और समय रहते इन गौ माताओं की हम रक्षा व सेवा कर सकें।